हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनिया बटन चैनल। और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज ये बहुत ही कॉमन पॉपुलर रेसिपी गोभी मटर मसाला, जो आम तौर पे रेस्टोरेंट्स में बहुत ही आसानी से मिल जाती है, लेकिन घर पर बिल्कुल साधारण से मसालों के साथ बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको बनाएंगे और टेस्ट ऐसा कि रेस्टोरेंट को भी फेल कर दे। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर से दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने 300 ग्राम्स कॉलीफ्लावर यानी कि गोभी के ये फूल लिए हैं, जिसे हम इंग्लिश में फ्लोरेट्स भी बोलते हैं, और साथ साथ एक कप मटर लिए हैं। मैंने जो मटर लिए वो है फ्रोज़न मटर, इसलिए पानी में भिगो के रखा हुआ है, और गोभी को भी पानी में भिगो के अच्छी तरीके से साफ़ करके मैंने रख दिया है। अब मैं एक ब्लेंडर जार ले रही हूँ, उसमें डाल रही हूँ एक मीडियम साइज़ की प्याज, ये 2 इंच के करीब अदरक का टुकड़ा, 4 ये लहसुन की कलियाँ, और बस इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे कुछ इस तरीके से। इसको निकाल लेते हैं एक सेपरेट बाउल में। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 अच्छे लाल पके हुए टमाटर, जिसको हम मिक्सी में चला लेंगे और इसका एक प्योरे बना लेंगे। तो ये हमने ब्लेंड कर लिया है, इसको निकाल लेते हैं एक सेपरेट बाउल में। और अब एक कढ़ाई में गरम कर लेते हैं 1/4 कप तेल, और इसको गरम करते ही इसके अंदर हम फ्राई करेंगे जो गोभी हमने काट के तैयार करी है। तो गोभी के फूल जो मैंने काटे हैं बहुत छोटे छोटे नहीं काटे हैं, क्योंकि सब्ज़ी में जब इस तरीके से फूल दिखाई देते हैं साबुत तो बहुत ही बढ़िया लगते हैं। अगर हम इनको छोटा काट लेते हैं तो पहले हम इसको फ्राई कर रहे हैं, उसके बाद हम इसको ग्रेवी में भी पकाने वाले हैं, तो ये जो छोटे फूल अगर हम साइज़ में काटते तो वो टूटने लग जाते, क्योंकि बिल्कुल पक्के सॉफ्ट हो जाते, और ग्रेवी खाने में तो टेस्टी लगती लेकिन देखने में फिर उतनी बढ़िया नहीं लगती। तो बस इसीलिए ये थोड़े से बड़े साइज़ के फ्लोरेट्स का इस्तेमाल करें, और इनको 3-4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर अच्छे से फ्राई करने के बाद इस तरीके से निकाल कर हम रख लेंगे। तो फ्राई की हुई गोभी बहुत ही बढ़िया लगती है, इसलिए मैंने इसको फ्राई करा है पहले। अगर आप नहीं करना चाहते फ्राई तो आप डायरेक्टली भी इस्तेमाल कर सकते हैं गोभी को। अब सेम तेल में ही मैंने डाल दिया है 1 दालचीनी, 1 तेज़पत्ता, साथ साथ 1 चम्मच डालेंगे इसमें ज़ीरा, उसके अलावा इसमें डालेंगे 1/8 टीस्पून के करीब हींग, और साथ साथ ही जो प्याज का अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रखा था वो भी डाल देते हैं, और इसको भून लेंगे कुछ 1-2 मिनट तक। तो प्याज जो है हमारी अच्छी तरीके से भुन गई है, बहुत ज़्यादा हमें इसको ब्राउन नहीं करना है, वरना जो मसाला बनाते हैं उसमें हल्का सा कड़वापन आ जाता है, तो इसको हल्का ही आपको भूनना है। और उसके बाद इसमें डाल रहे हैं मसाले, 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी और 2 चम्मच धनिया पाउडर। बस सब मसालों को अच्छे से मिलाएंगे, नमक डाल देते हैं, और अब मसालों को अच्छे से भूनेंगे। तो ये अच्छे से इसको मिलाए पहले, हल्का हल्का सा इसमें से जब तेल सेपरेट होने लग जाए, साइड पे दिखाई देने लग जाए, उस टाइम पे आप इसमें डाल दें जो टमाटर आपने प्योरे तैयार करिए ब्लेंडर में चलाकर। बस अब हमें मसाले के साथ अच्छी तरीके से इसको पकाना है, जब तक कि ऑयल बिल्कुल सेपरेट नहीं हो जाता और ये जितना मसाला आपको दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल आधा नहीं रह जाता, क्योंकि हमने इसमें टमाटो प्योरे डाला है अभी, तो काफ़ी अमाउंट है इसमें, क्वान्टिटी है, लेकिन इसको अच्छे से जब भून लेंगे तो बिल्कुल आधा रह जाएगा, ये मसाला बिल्कुल अच्छे से पक जाएगा और तेल अलग होने लग जाएगा। तो इसी टाइम पे इसमें मैंने डाल दिया मटर भी, क्यों? क्योंकि हम मसाला जब भूनेंगे तो उसके साथ साथ मटर भी हमारी कम्प्लीटली पक जाएगी, वरना हमें मसाला भूनने के बाद फिर से पानी डाल के मटर को पकाना पड़ेगा। तो हमने इसमें इस टाइम डाल दिया मटर, और इसको कर देते हैं मिक्स, और बस धीमी आँच करके अब इसको 4-5 मिनट तक ढक्कन ढक के पकाएंगे, बीच में आप ढक्कन हटाकर इसको चला सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ऑयल हल्का हल्का सेपरेट होने लग गया, लेकिन अभी भी मसाले पूरी तरह नहीं भुने हैं, क्योंकि हमने जितना अमाउंट ऑफ ऑयल इसमें डाला है उसका कम से कम 3/4 पोर्शन जो है हमें दिखाई देना चाहिए तले पर। तो अभी मसाले भुनने में और ये टमाटो प्योरे अच्छे से पकने में कसर है, तो फिर से ढक्कन ढक देंगे, धीमी आँच पर छोड़ देंगे इसको 2-3 मिनट और के लिए। तो ये आप देखिए तेल बिल्कुल अच्छे से अलग हो गया और बिल्कुल कम हो गया क्वान्टिटी में, बिल्कुल मसाला मसाला रह गया। देख सकते हैं आप कंपैरिजन दोनों चीज़ों का, कि पहले किस तरीके की ग्रेवी थी और बाद में कितना ऑयल इसमें से अलग हो गया। तो इसी तरीके से जब मसाला आपको दिखाई देने लगे तो आप इसमें डाल दें जो आपने गोभी फ्राई करके तैयार करी थी वो। तो इसको पहले मैंने हल्के से मिक्स कर दिया,
और उसके बाद इसमें डाल देते हैं फ्राई की हुई गोभी, और उसके साथ साथ मैंने इसमें डाल दी हैं दो कटी हुई हरी मिर्चें भी। तो अब इसमें आ जाएगा और भी ज़्यादा टेस्ट, क्योंकि हमने गोभी को पहले कर लिया था फ्राई। तो बस इसमें और कोई भी चीज़ हम नहीं डालेंगे, ना कोई काजू इसमें हम डालेंगे, ना कोई दही का इस्तेमाल करेंगे, किसी और तरीके का कोई मसाला भी नहीं डालना है। बस इसी तरीके से सिंपल साधारण से मसालों के साथ पकी हुई गोभी, लेकिन टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है इसका। तो अब मैंने इसके अंदर डाल दिया हल्का सा पानी, आधा कप से भी कम है, एक तिहाई कप के करीब पानी डाला है। वो इसलिए कम डाला है क्योंकि ग्रेवी थोड़ी थिक साइड पे अच्छी लगती है, क्योंकि ये है गोभी मटर मसाला, तो मसालेदार थोड़ी थिक सी ग्रेवी अच्छी लगती है इसमें। बस अब ढक्कन ढक के 3 से 5 मिनट तक लग जाएंगे, पूरी गोभी भी पक जाए और जो है ऑयल ऊपर तह पे यानी कि सरफेस पे दिखाई देने लग जाए, जिससे रंग भी बहुत बढ़िया नज़र आता है सब्ज़ी का। तो बीच में ये मैंने ढक्कन हटा लिया है इसका, क्योंकि गोभी हमारी कम्प्लीटली सॉफ्ट हो गई है, लेकिन पानी मुझे अभी हल्का सा इसमें ज़्यादा लग रहा है, तो इसलिए बिना ढक्कन ढके ही मैं अब इसको पकाने वाली हूँ, क्योंकि गोभी तो कम्प्लीटली पक चुकी है हमारी। तो बस इसी तरीके से अब फ्लेम को आप चाहें तो थोड़ा बढ़ा सकते हैं और पानी सुखा सकते हैं इसका, और उसके बाद फिर से फ्लेम आप धीमे कर दें, क्योंकि जब तक आप फ्लेम धीमा नहीं करेंगे जो ऑयल है वो आपको नज़र नहीं आएगा ऊपर। तो फ्लेम को धीमे रखेंगे तो इस तरीके से ये देख सकते हैं आप, ऊपर हल्का हल्का ऑयल नज़र आने लग गया, सब्ज़ी का रंग भी हल्का हल्का लाल नज़र आने लग गया है। तो सब्ज़ी बढ़िया लाल कलर की दिखती है इस तरीके से। अब इसके अंदर आखिरी में डाल देते हैं 1 चम्मच गरम मसाला, और साथ साथ थोड़ा फ्लेवर के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ कसूरी मेथी, बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। बस हल्का सा थोड़ा फ्लेवर, थोड़ा खुशबू ऐड हो जाती है इससे, इसलिए मैंने इसमें डाला है। मिक्स कर देंगे इसको, और साथ साथ ही इसमें डाल देंगे कटा हुआ बारीक हरा धनिया भी, और मिला के बस धीमा करके गैस को 1-2 मिनट के लिए ढक्कन ढक के इसको धीमी आंच पे छोड़ देंगे, और उसके बाद गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। तो बस ये बनकर तैयार है डिलीशियस सी गोभी मटर मसाला, जिसको मैं करती हूँ सर्व। तो लग रही है ना एकदम जायकेदार गोभी। इस तरह की गोभी हो तो या तो गर्मा गर्म गार्लिक बटर नान के साथ इसको एंजॉय करें, पराठे के साथ एंजॉय करें, या फिर सबसे बढ़िया तो ये है कि गर्मा गर्म पूरियों के साथ खाया जाए ऐसी गोभी मटर मसाला को। बहुत ही बढ़िया बनती है इस तरीके से ये, आप किसी गेट टुगेदर में बनाइए, पार्टी में बनाइए, या रेगुलर अपने घर पर बनाकर खाइए। सिंपल से गिने चुने मसाले, लेकिन टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। साधारण सी सब्ज़ी लेकिन असाधारण सा स्वाद। ट्राई कीजिए ये रेसिपी, और अगर आपको ये वीडियो, ये रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर से दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक हैव अ लवली डे, गॉड ब्लेस, बाय बाय एंड एंजॉय।